गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में रविवार सवेरे छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ, फिर ये वारदात हुई। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। घटना स्थल साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीद नगर का है। मृतक का नाम सुलेमान है, जो की 28 साल का था, और आरोपी उसका सगा छोटा भाई अमन है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 9:30 बजे सुलेमान ऊपर वाले कमरे में सो रहा था। जागने के बाद वह नीचे कमरे में आया। इस दौरान छोटे भाई अमान से उसका झगड़ा हुआ। अमान ने सब्जी काटने वाले चाकू उसके पैर में मारा और उसके बाद उसके शरीर पर खून से कई वार किए। लहूलुहान सुलेमान को परिजन उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस परिवार की महिला मुमताज ने बताया कि दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा रहता था। सुलेमान कोई कामकाज नहीं करता था, इसे लेकर दोनों भाइयों में अक्सर विवाद होता था। नहीं, कतलने जो आया ही ऊपर से सोया बताइए, नीचे आया ही खाना खाने के लिए। के वजह ने कतल कहते थे तो क्या काटा था, जो चक्कू मारा पेट में, वो मारा था पेट में। अच्छा, क्या पूरा मामला बताया जा रहा, किस वजह पे चाकू मार सवार किया? ऐसे घर की परेशानी की वजह से। अच्छा, ऐसे। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी का भी मामला आ रहा है सामने? हाँ हाँ, वही हो रहा है। और जो मारने वाला आरोपी, उसका नाम क्या है? अच्छा, नगर एरिया में, साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीद नगर एरिया में छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू मार करके हत्या कर दी है। इसमें मुख्य कारण ये था कि जो बड़ा भाई था वो नशेड़ी था, घर के खर्चे वगैरह नहीं कुछ देता था। छोटा भाई बार बार उसको कुछ काम करने के लिए कहता था, लेकिन वो कभी कोई काम किया नहीं। इसी बात को लेकर के आज सुबह इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, छोटे भाई ने चाकू ले आकर के उसकी हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ बिल्कुल, आरोपी गिरफ्तार है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजा जा रहा है। फाइज अली सैफी की रिपोर्ट।